नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से मिले तोहफों की नीलामी शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री के बर्थडे यानी 17 सितंबर से गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक नीलामी प्रक्रिया चलेगी। एनजीएमए की वेबसाइट से ऑनलाइन नीलामी चलेगी। इस नीलामी में करीब 1200 से ज्यादा गिफ्ट नीलाम होंगे, जिनका बेस्ट प्राइस 100 रुपए से लेकर 5 लाख और 10 लाख रुपए तक है। इस नीलामी देश ही नहीं विदेश में भी मिले तोहफों को शामिल किया गया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एकजुटता को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सोनिया गांधी के स्वदेश लौटते ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। इन दोनों नेताओं की सोनिया गांधी से मुलाकात एक साथ होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ लालू यादव देश भर में विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास करेंगे। अब स्टूडेंट्स वेब 3.0 टेक्नोलॉजी की सहायता से घर से क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करेंगे। भारत में ऐसे शैक्षणिक कार्यक्रमों का उद्योग जगत के प्रमुख भागीदार और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों के साथ मिलकर टाइम्स प्रो द्वारा विकसित किया जा रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी आधारित विभिन्न पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों को IIT रोपड़, IIT रोकड़ी जैसे संस्थान सर्टिफिकेट जारी करेंगे। खास बात यह है कि टेक्नोलॉजी आधारित कई पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने और इनकी ट्रेनिंग में भी IIT फैक्ट्रीज की भूमिका है। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में हुए घोटाले के मामले में एक दशक के बाद सुनवाई शुरू होगी। दिल्ली में आयोजित हुए राष्ट्रमंडल खेलों में कई तरह के प्रबंध करने के दौरान अनियमितताएं बरती गई थी और 600 करोड़ का घोटाला हुआ था। CBI की एक विशेष अदालत ने 25 जनवरी को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है, जिसे एजेंसी ने प्रस्तुत किया था। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में GL मेडोफॉर्म के तत्कालीन निदेशक बीनू नानू, वायुसेना के पूर्व कप्तान और आपूर्तिकर्ता प्रवीण बक्सी और कम्फर्ट नेट ट्रेडर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संदीप वाधवा को भी आरोपी बनाया है। भारत चीन सीमा पूर्वी लद्दाख में 28 महीने से जारी गतिरोध खत्म होने के कगार पर है। 12 सितंबर तक दोनों देशों की सेना पीछे हट जाएगी। इस बीच ANI के हवाले से एक खबर है कि भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में सिंधु नदी पर पुल बनाया है, जिससे चीन के नापाक इरादे का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे पाएगी। चीन सीमा से सटे लद्दाख सेक्टर में भारतीय सेना द्वारा सिंधु नदी में बनाए गए पुल से जवानों को काफी फायदा होगा। इस हफ्ते गुरुवार व शुक्रवार को होने वाली संघाई सहयोग संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक में PM नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। समरकंद में इस बार SSCO की 22वीं शीर्ष स्तरीय बैठक है। यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद पहली बार एक मंच पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के साथ PM मोदी भी होंगे। एशिया कप से बाहर होने के बाद टीम इंडिया अब T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में जुट गई है। जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल चोट के बाद वापसी कर चुके हैं। दोनों अभी NCA में प्रशिक्षण ले रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि दोनों की ICC T20 वर्ल्ड कप की टीम में वापसी लगभग तय है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन बैठक जल्द होने की संभावना है। व्हाट्सएप जल्द ही आपके लिए एक नए अपडेट के साथ नया फीचर लेके आने वाला है, जिससे आप पुराने मैसेज आसानी से सर्च कर पाएंगे। बता दें कि व्हाट्सएप चैट में एक नया कैलेंडर आइकन जोड़ा जा सकता है। यह कैलेंडर कुछ इस तरह काम करेगा कि इसमें आप जो भी डेट डालेंगे उस डेट की कंप्लीट चैट आपको शो होने लगेगी। इस तरह यूजर्स के लिए चैट से पुराने मैसेजेस को सर्च करना आसान हो जाएगा। एशिया कप 2022 के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच भिड़ंत हुई दुबई स्टेडियम में यह मुकाबला खेला गया। इस बीच फाइनल में भारतीय फैंस के साथ बुरे बर्ताव की खबर सामने आई है, जहां भारतीय जर्सी पहने हुए लोगों को स्टेडियम में नहीं घुसने दिया। भारतीय क्रिकेट की फैन आर्मी द भारत आर्मी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दुबई स्टेडियम के बाहर से वीडियो जारी किया है। वीडियो में भारतीय फैंस बता रहे हैं कि हम दुबई स्टेडियम के बाहर है, हम भारतीय जर्सी पहने हुए थे इसलिए हमें अंदर नहीं घुसने दिया। भारतीय सेना को और मजबूत करने को लेकर रविवार को भारतीय नौसेना के बेंडे में एक और जंगी जहाज शामिल हो गया। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 एक तीसरे स्टेल्थ युद्धपोत तारगरी को मुंबई में लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग इवेंट मुंबई के मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में हुआ। मंचगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बताया कि 3510 टन वजन वाले युद्धपोत का मूल्य लगभग 25,700 करोड़ रुपए है। 10 सितंबर 2022 से निर्माण किए जा रहे तारागिरी युद्धपोत की डिलीवरी अगस्त 2025 तक होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने डिप्टी डायरेक्टर और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले इच्छुक और योग्य उम्मीदवार UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.government.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2022 है। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ₹25 आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। 11 सितंबर से सेना नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट में शामिल बागी विधायकों को इस्तीफा देने और चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। राज्य के पूर्व मंत्री ने शनिवार रात में सवाल किया, जब हमने आपको सब कुछ दिया तो आपने हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपा और आपने इस्तीफा देकर चुनाव का सामना क्यों नहीं किया, जैसा कि लोकतंत्र में होता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने ग्रेटर नोएडा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्माण संबंधी कई दिशा निर्देश दिए। इसमें दुनिया और भारतीय डेयरी से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ किसान और नीति निर्माता शामिल होंगे। सम्मेलन पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विशेष पर केंद्रित है। सम्मेलन में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। तेलंगाना राज्य समिति के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ और अधिक चर्चा करने के बाद वह एक राष्ट्रीय पार्टी का गठन करेंगे। प्रभावशाली भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस का एक राष्ट्रीय विकल्प मुहैया कराने की कोशिश कर रही TRSS ने कहा कि वह विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा जारी रखकर वैकल्पिक राष्ट्रीय एजेंडे पर आम सहमति पर पहुंचेंगे। एक्टर और खुद को फिल्म समीक्षक कहने वाले कमाल आर खान जेल से वापस घर लौट चुके हैं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने ट्वीट किया, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गया। KRK ने लिखा कि वो बदला लेने के लिए लौटा है। लेटेस्ट अपडेट है कि उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया है। रविवार की शाम को उन्होंने ट्वीट कर मीडिया पर आरोप मर दिया है कि मीडिया नई कहानियां बना रहा है। उन्होंने कहा कि उनके साथ जो भी बुरी चीजें हुई हैं उन्होंने उसे भुला दिया है। बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन एक्टर की चर्चा की जाए तो उसमें सोनू सूद का नाम जरूर शामिल होगा। हाल ही में सोनू सूद ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर संभव IAS इंस्टीट्यूट की लॉन्चिंग की घोषणा की है। सोनू ने इस कोचिंग सेंटर का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि चलो मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। साल 2022-23 सत्र हेतु IAS परीक्षा के लिए फ्री ऑनलाइन संभव कोचिंग की लॉन्च किया जा रहा है। द सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2022 के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड के खिलाफ श्रीलंका लीजेंड ने जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया। ऑस्ट्रेलिया लीजेंड के खिलाफ श्रीलंका लीजेंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज दिलशान व मुनावीरा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट के लिए 208 रन की साझेदारी की। यही नहीं, इस दौरान दिलशान ने अपना शतक भी लगाया और वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच भारत में जल्द ही 5 से 18 साल तक के बच्चों के लिए नाक से दी जाने वाली COVID-19 वैक्सीन उपलब्ध होगी। हैदराबाद स्थित कंपनी भारत बायोटेक ने औषधि नियामक से 5 से 18 आयु समूह में नाक के माध्यम से लगाए जाने वाले COVID-19 वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन की अनुमति मांगी है। BBV-154 टीके को नाक के माध्यम से लगाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। द्वारिका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का रविवार को निधन हो गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में 99 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने लंबी कानून लड़ाई भी लड़ी थी। PM नरेंद्र मोदी ने शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। शोक के समय में उनके अनुयायियों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। अगस्त 2022 के अंत में भारतीय रेलवे का कुल राजस्व 54,486.58 करोड़ रुपए था, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 26,271.29 करोड़ रुपए अधिक है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 38% ज्यादा है। यात्री यातायात से राजस्व 25,276.54 करोड़ रुपए था, जो सालाना आधार पर 13,574.44 करोड़ रुपए की वृद्धि है। आरक्षित और अनारक्षित दोनों खंडों में पिछले साल की तुलना में यात्री यातायात में वृद्धि हुई है। 19 साल के कार्लोस अल्कारेज ने US ओपन टेनिस चैंपियनशिप में कैस्पर रूट को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसी के साथ 19 साल की उम्र में वह नवंबर 1 रैंक हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। कार्लोस ने US ओपन के फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूट को 6-4, 2-6, 7-6, 6-3 से हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता और पहली बार दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। पाकिस्तान को अरसे पहले दिए गए F-16 लड़ाकू विमानों के लिए जो बाइडेन सरकार ने $450 मिलियन के सस्टेनमेंट पैकेज की घोषणा की है, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। भारत की आपत्ति पर अमेरिका ने सफाई देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को F-16 के सस्टेनेबल पैकेज में लड़ाकू विमान की नई क्षमता, हथियार और अस्त्र शस्त्र देना शामिल नहीं है। भारत अमेरिका के 2+2 बैठक 7 सितंबर को हुई थी, जिसमें अमेरिका के इस फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई। अनिल अंबानी के रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के बीच विवाद गहरता जा रहा है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अधिग्रहण के प्रस्ताव में हीला हवाली और सौदे की शर्तों के उल्लंघन के लिए अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के खिलाफ 13,400 करोड़ रुपए का दावा किया है। कंपनी का आरोप है कि मुंबई बिजली वितरण व्यवसाय के हस्तांतरण से संबंधित अदानी ट्रांसमिशन के साथ दिसंबर 2017 के शेयर खरीद समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि गुजरात में उनकी पार्टी को मिल रहे समर्थन से भारतीय जनता पार्टी हिल गई है, इसलिए दिल्ली के बाद यह पश्चिमी राज्य में छापेमारी की जा रही है। केजरीवाल का बयान आपकी गुजरात इकाई के नेता इसुदान गढ़वी द्वारा साझा किए गए एक ट्वीट के जवाब में आया, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल के शहर पहुंचते ही राज्य पुलिस ने पार्टी के अहमदाबाद कार्यालय पर छापा मारा। 2 घंटे की रेड में कुछ नहीं मिला। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, पुलिस ने कहा कि वे फिर से आएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ के कहर के बीच एक मंदिर ने लोगों के लिए मदद के दरवाजे खोले हैं। यह मंदिर बलूचिस्तान के एक छोटे से गांव में है, जहां 300 के करीब बाढ़ पीड़ितों के खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार बाबा माधोदास हिंदू संत थे, जिन्हें मुसलमान और हिंदू दोनों मानते थे। बता दें कि पाकिस्तान में आई बाढ़ में लगभग 1400 लोग मारे गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में मात देते हुए 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से मात दी। एशिया कप 2022 में पहला मैच हारने के बाद श्रीलंका ने वापसी करते हुए एक भी मैच नहीं गवाया। श्रीलंका की टीम ने लगातार 5 मैच जीतकर एशिया कप 2022 अपने नाम किया, तो वहीं पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ यह लगातार दूसरी हार थी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,221 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 4,45,50,000 हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के जारी आंकड़े के अनुसार देश में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 47,176 हो गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 30,76,305 लोगों को कोरोना के टीके लगे हैं, जिसके बाद वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 215,26,13,039 हो गई है। एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। खिताबी हार के बाद बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम के स्टार खिलाड़ी ने अपनी गुनाह कबूल किया और पाकिस्तान की पिटाई के लिए खुद को जिम्मेदार बताया है। फाइनल में वापसी करने वाले शादाब ने हार के बाद एक ट्वीट किया और कहा कि कैच मैच जिताते हैं, माफ करें, मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, मैंने अपनी टीम को निराश किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण में 1800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंदिर निर्माण के लिए गठित संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर निर्माण के लिए गठित किए गए ट्रस्ट ने लंबी बैठक के बाद ट्रस्ट के नियम और कायदों को अनुमोदन किया। बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर में हिंदू धर्म से जुड़ी महान विभूति और साधु संतों की प्रतिमाओं को भी स्थान दिया जाएगा। तारक मेहता एक ऐसा शो है जिसे हर उम्र के लोग देखना काफी पसंद करते हैं। अब हाल ही में शो को लेकर खबर आई है कि नए तारक मेहता की एंट्री होने जा रही है। शैलेश लोढ़ा की जगह अब ये हैंडसम हंक लेंगे। अब हाल ही में आई खबरों के माने तो मेकर्स ने शो के लिए शैलेश लोढ़ा का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब शो में सचिन श्रॉफ तारक मेहता की भूमिका निभाते हुए दिखाई देने वाले हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है केके सिन्हा, विपिन दास, नुनू कुमार, नयन कुमार यादव, पवन आर्या। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, एशिया कप 2022 फाइनल में भारतीय फैंस को नहीं घुसने दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।